हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। और आज आपको दिखाते हैं हम मेसी फर्ग्यूसन का 95/63 मॉडल ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव में। और ये देखिए इसका फ्रंट व्यू, लुक वाइज बहुत अच्छा ट्रैक्टर है आगे से। और ये इसका देखो साइड व्यू, साइड से काफ़ी अच्छा लग रहा है ट्रैक्टर। और आपको दिखाते हैं इसका बैक साइड, और अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। और ये स्मार्ट सीरीज का ट्रैक्टर है मेसी फर्ग्यूसन का 95/63। और इसमें अब इसका स्पेसिफिकेशन हम जानते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए फ्रंट बम्पर में बिट प्लेटें लगी हुई हैं 4 25 kg की। ये फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है इसलिए इसमें अगले टायरों की ग्रिप थोड़ी पकड़ अच्छी रहे ज़मीन से, इसलिए इसमें वेट का होना बहुत ज़रूरी है। और ये वाला मॉडल CIDI इंजन में है, ये CIDI टेक्नोलॉजी वाला इंजन यूज किया है इसमें। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 55 HP से ऊपर की कैटेगरी वाले सारे ट्रैक्टर CIDI इंजन में लॉन्च किए हैं। तो आपको दिखाते हैं, इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसका इंजन व्यू, ये फ्रंट में लगा हुआ है इसका ड्राई टायर एयर क्लीनर, और जस्ट उसी के पास में इंटरकूलर भी है इसमें। और ये CIDI टेक्नोलॉजी ये लगा हुआ है प्रेशर पंप, और ये रेल, प्रेशर रेल। इसमें सिंगल फिल्टर है, डीजल फिल्टर। और देखिए काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसमें। डीजल टैंक भी लोहे का है। और इधर आपको दिखाते हैं, इसमें टर्बो चार्जर भी इंस्टॉलेशन है उसका भी। यहाँ पे ये रहा टर्बो चार्जर इसका, और EGR भी लगा हुआ है देखिए। और इसकी बैटरी फ्रंट में है। फ्रंट में बैटरी है इसकी, और ये रहा इसका वाटर टैंक कूलेंट के लिए। और इसमें फ्रंट एक्सल, ये देखिए इसमें फ्रंट एक्सल में जो फ्रंट एक्सल के लिए ड्राइव के लिए जो सॉकेट है वो साइड से दी हुई है, इससे क्या है इसका ग्राउंड क्लियरेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे से कभी भी इसको किसी चीज़ में टच होने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और इसमें डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर यूज किया गया है, ये देखिए। और इसका बोनट बंद करते हैं, और इसका फ्रंट टायर का साइज दिखाते हैं आपको, 9/5/24। और इसका रियर टायर है 16/9/28 का। और इसमें 35 kg का वेट भी है, व्हील वेट। इसमें सस्पेंडेड टाइप क्लच पैडल और ब्रेक पैडल है। और इसमें इलेक्ट्रिक के एक्सीलेटर होता है CIDI इंजन में, वो इसमें साइड में यूज किया गया है। और चलते हैं इसका बैक साइड देखने। तो बैक साइड में ये देखिए बहुत मजबूत है, हैवी है बैक साइड इसका। 3 linkage points टॉपलिंग के लिए दिए हुए हैं, और प्लेनेटरी ड्राइव रिडक्शन है इसका। और इसमें ऑक्सिलरी बाल भी लगा हुआ है,
आपको लेके चलते हैं हम इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये देखिए, इसमें हीट से बचने के लिए हीट गार्ड भी लगाए हुए हैं कंपनी ने। और इसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्लैट है, सस्पेंडेड टाइप क्लच पैडल और ब्रेक पैडल हैं इसके। और ये देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर CIDI इंजन का। और इसमें ट्रांसमिशन में 3 गियर फ्रंट स्पीड के लिए और 1 बैक के लिए है। और इसमें ये वाला लो और हाई है, और इसके सेंटर में लो हाई की स्पीड इससे भी चेंज हो जाती है सारे गियरों में। इससे भी अपन स्पीड इसकी लो हाई और मीडियम की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं अपन। इसमें 2 स्पीडें चेंज हो जाएंगी, 1 डाउन की तरफ 1 ऊपर की तरफ। इसका व्यू ऊपर बैठ के। और ये रहा इसका ऑक्सिलरी वाल्व का लीवर। और ये रहा इसका DC लीवर, सॉरी ये इसका PC लीवर है पोजीशन कंट्रोल, ये इसका DC लीवर है ड्राफ्ट कंट्रोल। और चलो आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस टाइप से। और ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। इसको न्यूट्रल पोजीशन में करने के बाद ही ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। देखिए ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। कितनी शानदार आवाज है। और ये की स्टार्ट और स्टॉप है, की से ही स्टॉप हो जाएगा ये। इसमें प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्लैट है और इसमें सिंकोमेस टेक्नोलॉजी का गियर बॉक्स यूज किया है, जिससे कि इसको स्पीड में गियर चेंज करने में कोई आवाज़ की प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल स्मूथली इसके लीवर काम करें। देखिए, थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी तरह